आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पूरा मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मैंने दिवाली पर किस तरह से आउटडोर का डेकोरेशन किया है, ताजे फूलों से, रंगोली से और थोड़े से जो मेरे मिट्टी के दीपक थे उनको कलर करके। और अब जो है शाम के करीब 3:30 बजे थे और मुझे जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करना था क्योंकि आगे भी काम बढ़ाना है। तो जो भी रंगोली वगैरह मैंने बनाई थी उन सबको थोड़ा सा मुझे डेकोरेट करना था और ये सारा काम एक दिन में ही होता है। जैसे आप लोग बोल रहे थे कि कमेंट सेक्शन में कि नहीं एक दिन में आपने ये कैसे किया, तो देखो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है और जो मेरे साथ है वो है थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। और आप लोग पूछते हो कि कोई आपके साथ हेल्पर है या नहीं है, तो देखिए हेल्पर कोई भी नहीं है। जो माली वाले माली भैया थे ना उनको मैंने रख रखा था लेकिन उनके भी हाथ में फ्रैक्चर हो गया है तो वो भी करीब 1-1.5 महीने से नहीं आ रहे हैं। तो जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, मेरा एक तगड़ा डिसिप्लिन और उससे भी तगड़ा वाला टाइम मैनेजमेंट, ये दो ही मेरे हेल्पर हैं जिनकी मदद से मैं सारी चीज़ें अकेले खुद बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। बढ़िया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो दिवाली वाले दिन थोड़ा सा जल्दी उठ के सारे कामों को फटाफट किया। हालांकि अगर हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें डिले होती चली जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक टाइम फ्रेम बना लेती हूँ कि मुझे 12 बजे तक इतना काम करना है, 2 बजे तक इतना काम करना है, इस तरह से मैं काम करती हूँ। तो जो डेकोरेशन वाला काम था ये मैंने सोच रखा था कि मुझे हर हाल में 3 बजे तक ख़त्म कर लेना है और उसके बाद मैं आगे के काम करूँगी। तो आज तो मैंने आपको अपने बता ही दिए ना दिवाली वाले दिन की कौन कौन मेरे हेल्पर हैं। तो देखिए दिन में मैंने कुछ इस तरह से इतना सारा डेकोरेशन कर लिया था और लक्ष्मी जी के दीपक वो जो पैर थे ना वो मैंने बाहर बना दिए थे और अब मैंने अंदर मंदिर तक बनाए। और इस वक्त करीब 3:30-4 बजे का टाइम था और आज ना अमावस्या होती है जो कि 31 तारीख को, 31 को मैंने दिवाली सेलिब्रेट करी है तो शाम से लगनी थी। तो अमर ने मॉर्निंग में बोला था कि नहीं हम जो पूजा करते हैं अमावस्या की वो शाम को करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पूजा होती है उसमें पूरे बढ़िया व्यंजन पकवान और बढ़िया भोजन बनता है और फिर हम उसे अपने पितरों को, देवताओं को और ईश्वर को अर्पण करते हैं। तो ये सारा काम शाम को होना था तो थोड़ा सा आज दिन का जो रूटीन था वो थोड़ा सा चेंज हो गया और दीपावली से, वरना मैं पूरा काम खत्म करके डेकोरेशन करती हूँ। और इस तरह से जो पूजा होती है पितरों की, देवी देवताओं की, वो सारी मतलब कंप्लीट करी, ठाकुर जी को जो है भोग लगाया और इस तरह से अब मेरा एक काम ख़त्म हुआ है और अब मुझे आगे का काम करना है जिसमें पूजा भी है, डेकोरेशन भी है और बहुत ढेर सारा काम है। और अब शाम को सबसे पहले बारी आई दीपकों को तैयार करने की। तो साड़ी पहनकर थोड़ा सा तेल वगैरह का काम करना ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये सारे दीपक में तैयारी करके रख दी है शाम की पूजा की। एक्चुअली शाम तो हो ही रही है और देखिए ये रंग बिरंगे दीपक कितने सुंदर लग रहे हैं और इनको जलाने के बाद भी मैं रख लेती हूँ, आगे बहुत कई जगह मुझे जलाने रहते हैं तो ये काम आएंगे। तो इनको मैंने तैयार कर दिया और अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी पूजन की तैयारी करने के लिए और उसमें सब लोग मिलकर हम तैयारी और तैयार होंगे। अब शाम की पूजा करने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ और अभी दिवाली का बहुत सारा काम होता है इसलिए मैं प्लेट्स वगैरह बना के साड़ी को अच्छे से पिनअप कर लेती हूँ। और मैंने थोड़ा सा जो है ना चेंज भी किया है, झुमके वगैरह पहने और बालों में ना गजरा भी लगाया है। अब पता नहीं कैसा लग रहा होगा क्योंकि अपने आप तो दिखाई नहीं देता, जैसा भी होता है मैंने कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी जी की जो है पूजा करने और उसके बाद रोशनी वगैरह करेंगे, लाइट्स वगैरह जला दी हैं। और अब सबसे पहले जाके जो माँ लक्ष्मी है उनके चरणों को हम पूजते हैं और उसके बाद हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजन शुरू करने के लिए सबसे पहले बाहर लाइट वगैरह जला के, एक दीपक जला के लक्ष्मी जी को बुलाते हैं। ये जैसा कि मैं नवरात्रों में आपको बताया है बिल्कुल उसी तरह से करती हूँ। तो जहाँ लक्ष्मी जी के चरण होते हैं वहीं पे हम थोड़ा सा चरण पूजन कर लेते हैं और इस वक्त घर को हम सजा चुके होते हैं और माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाते हैं और इसके बाद ही जो है लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं। और लक्ष्मी पूजन में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, करीब 1-1.5 घंटा लग जाता है।
और लक्ष्मी पूजन के बाद जो दीपक होते हैं बाकी के, वो जलाए मतलब वो मैं जलाती हूँ। तो जो ये दीपक हैं इन सबको मैं तैयार करके चली गई थी, तो बहुत ही आसान रहा, बस साड़ी पहनी, तैयार हुए, पूजन किया और फटाफट दीपक सजाने शुरू कर दिए। पूजा करने से पहले ही मैंने ऊपर के पोर्शन में दीपक जला दिए थे और अब मैंने बाहर से वही दीपक जलाने स्टार्ट किए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी अंधेरा है और केवल दीपकों की रोशनी हो रही है, और इसका एक रीज़न ये था कि आज लाइट ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। थोड़ी क्या, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। मॉर्निंग से ही लाइट परेशान कर रही थी और इस वक्त तो लाइट बिल्कुल चली गई और उसका केवल एक फेज आ रहा था, जिसकी वजह से लाइट खराब होने का डर था, तो मैंने सारी लाइट बंद कर दी थी। लगा तो ऐसा कि देखो दिवाली एक मेन टाइम है और इस टाइम लाइट नहीं आ रही है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दीपकों की इतनी बढ़िया तैयारी थी कि सारा घर जो है दीपक की रोशनी में जगमगा गया। और जितना भी डेकोरेशन मैंने किया था, रंगोली का, दीपकों का, फूलों का, वो जैसे ही ये दीपक जले ना, रोशनी हुई, तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल करोड़ों चांद इसमें आ गए और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि लाइट नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी रोशनी फीकी पड़ रही है। लाइट गड़बड़ कर रही है, सारी लाइट बुझ गई है, देखो अब कोई लाइट नहीं जल रही है, सिर्फ कैमरे की लाइट जल रही है। लाइट नहीं जल रही, बस दीपक जल रहे हैं ना, उन्हीं की रोशनी हो रही है, सबकी गड़बड़ कर रही है, जल वो जल। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई है लाइट में, सुबह भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और अब मैं आपको जितना भी डेकोरेशन दिखा रही हूँ ये सब अंधेरे का ही है, तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाऊं, और थोड़ा सा इन्वर्टर की जो भी लाइट्स जल रही थी उनसे मैंने जला के ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी। वैसे तो बाहर के एरिया में बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं हैं जो कि इन्वर्टर से ऑपरेटेड हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार कि सारी लाइट्स को जो कि मैंने डेकोरेशन के लिए लगाई थी उनको लगाऊं, लेकिन फिर भी देखिए घर कितना सुंदर लग रहा था। और फिर हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया दिवाली को, तो जो भी हम फुलझड़ी वगैरह लेकर आए थे वो सब जलाईं, और बीच बीच में मैं लाइट भी जला रही थी और चेक कर रही थी कि किस तरह से मेरा डेकोरेशन वगैरह लग रहा है। सब लोग, हम लोग खूब खुश थे, खूब मज़ा आ रहा था। ये अलग बात है कि अगर लाइट होती तो थोड़ा और ये सारी चीज़ें कैमरे पर भी सुंदर लगती। और जो मैंने ये अपना सेल्फी पॉइंट बनाया था, इसकी लोकेशन भी मुझे चेंज करनी थी लाइट के अकॉर्डिंग। मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, जैसी ठाकुर जी की मर्जी, हम वैसे ही त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। इन्वर्टर वाली लाइट जलाई और फिर शानू भी मुझे जब देख रहा था कि माँ थोड़ी सी उदास हो रही है, तो वो मुझसे कहता था कि मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, आपने इतनी मेहनत जो करी है। और वाकई मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी भी लाइट जलाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और हमने अपनी सबकी यहाँ पर सेल्फी ली। बोलो पापा, कुछ कुछ बोलो, शुभ दीपावली, जोर से बोलो, जोर से बोलो पापा, शुभ दीपावली सभी को, आप भी बोल दो, शुभ दीपावली सबको, हमारी तरफ से आप सबको, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस तरह से देखिए घर कितना सुंदर लग रहा है, और बीच बीच में जो शानू और अमर की नोकझोंक हो रही थी वो तो आप सुन ही रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को टीज कर रहे थे। और हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था, ये अलग बात है कि लाइट अभी तक नहीं आई थी। और
फिर एक एक करके जितनी भी जगह मैंने दीपक वगैरह रखे थे उन सबको मैंने जलाना स्टार्ट किया। पहले तो मैं सोच रही थी कि पूरी रोशनी हो जाएगी तब करूँगी, तो थोड़ी देर हम लोग बैठ के बात करते रहे और जो मेरे पास जो पानी वाले छोटे दीपक थे वो तो बहुत अच्छे लगे। तो ये तो दो दिन पहले रिकॉर्ड किया था दिवाली वाले दिन और आज भी ये बिल्कुल ऐसे ही जल रहे हैं, मैंने इस उर्ली में इनको ऐसे ही छोड़ रखा है, तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया रही। हाँ बस केतन आया है, मतलब दीपावली की विशेष देने के लिए, एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, पास में ही रहता है। दीपावली की शुभकामनाएं आपको। पूरे नंबर दे रहा है। नीचे वाले आउटडोर एरिया में तो थोड़ी बहुत मैंने आपको ये सारी क्लिपिंग्स दिखा दी हैं, लेकिन जो ऊपर वाला एरिया था वहाँ पे केवल दीपकों की रोशनी थी और काफी अंधेरा सा लग रहा था। लाइट चली गई थी, अभी भी आई नहीं है, तो जितनी भी लाइट अभी जल रही है इन्वर्टर से जल रही है, लेकिन मजा आ रहा है। दीपावली का हर तरह से मजा लेना चाहिए। तो हम अपनी जगह जगह का जो डेकोरेशन किया है उसे सजा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं खूब, और खूब खा पी भी रहे हैं, बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं, यानी पूरा मजा ले रहे हैं। शुभ दीपावली, खूब पटाखे चल रहे हैं और हम पटाखे नहीं चला रहे क्योंकि चीता बहुत ज्यादा डर रहा है ना, इसलिए। और फिर इसके बाद क्या था, जैसे ही मतलब टाइम ज़्यादा हो गया तो मैंने इन्वर्टर से सारी लाइट्स जला के देखे, ये सुंदर सुंदर जो भी मैंने डेकोरेट किया था वो सब मैंने रिकॉर्ड किया कि मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊं कि ये कितनी अच्छी लगी। थोड़ी सी मेहनत करने का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। दिवाली पर क्योंकि मैं बहुत ढेर सारे दीपक जलाती हूँ तो वो थोड़े थोड़े शिफ्ट में ही हो पाते हैं, जैसे एक बार थोड़े से जलाने के बाद मैं कुछ छोड़ देती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर मैं उनको जला देती हूँ। तो देखिए ये वही शिफ्ट चल रही थी और इससे क्या होता है, काफ़ी देर तक घर जो है दीपकों से जगमगाता रहता है। और जो लक्ष्मी पूजन के पास दीपक रखे जाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में, उनको भी मैंने रिकॉर्ड किया है। तो इस तरह से इन दीपकों की रोशनी से हमारी दिवाली बहुत ही सुंदर हुई। और अब करण की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसको बुलाया और उसके संग भी थोड़ी सी मैंने फोटो वगैरह खिंचवाई। करण की ना तबीयत सही नहीं है और इसकी वजह से इसका जो वेट है वो कम भी होता जा रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन सही हो जाएगी, उसकी मेडिसिन चल रही है। और क्या खराब है वो मैं आपको और इस तरह से हम दिवाली सेलिब्रेट करते रहे, बहुत मज़ा आया, खूब खाया पिया। और मैंने इसी के साथ साथ आपको अपने हेल्पर्स के बारे में भी बताया और अच्छा लगा, ये वाला दिन बहुत बढ़िया बीता, नेक्स्ट डे भी खूब मज़ा आया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो कि दिवाली सेलिब्रेशन का था, हम लोगों ने कैसे मनाई, मतलब सारी चीज़ें छोटी से लेकर बड़ी तक मैंने आपके साथ शेयर करी। और हाँ, जो अब शुरू होता है टाइम वो होता है फैमिली के संग टाइम स्पेंड करने का, हमें एक दो जगह जाना भी था लेकिन थोड़ी सी लाइट की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर चले जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे आगे के कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय और शुभ दीपावली।